आप सभी को जय मसीह की मेरे प्रिय भाई बहनों, इस सुंदर से सुबह के लिए, आज इस पवित्र दिन के लिए हम परमेश्वर की महिमा करते हैं और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर जो आज आपने हमें जीवन और श्वास दिया, आपने हमारे प्राणों की रक्षा की, आपने हमारे जीवन में एक सुंदर से सुबह दिया, एक नई रोशनी, एक नया प्रकाश, एक नई उम्मीद दी, ताकि हमारे जीवन में हम परमेश्वर आज आपकी महिमा कर सकें और आपका धन्यवाद कर सकें। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। मेरे प्रियो, आज आपको विश्वास रखना है, भरोसा रखना है कि आज आपके जीवन से हर प्रकार के जो काम हैं उसमें शैतान नहीं रोक सकता है। जो आप आज आपके काम करते हैं, जो बिजनेस करते हैं, जो भी आप काम करते हैं, उसमें शैतान आपके कामों को नहीं रोक सकता है। कोई बाधाएं, कोई अड़चनें नहीं आएंगी जब आप ये विश्वास रखेंगे कि परमेश्वर मेरी मदद करता है, मेरी सहायता करता है। इस पवित्र दिन के लिए हम परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि प्रभु आज आपने हमें जीवित रखा कि हम आपसे प्रार्थना कर सकें, अपने घर के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने काम के लिए, अपने बिजनेस के लिए। हर प्रकार की जो तानी ताकत मेरे जीवन में काम करती है, आज मैं उसके लिए आज्ञा दूंगा। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आज आपको विश्वास रखना कि परमेश्वर आज आपके जीवन की हर प्रकार की घटी और कमी को पूरा करेगा। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। मेरे प्रिय भाई बहनों, हम जानते हैं कि शैतान जो होता है, कहीं न कहीं वो हमारे कामों को रोकने की कोशिश करेगा। जो भी आप आज काम करते हैं, जो भी आज आप कार्य करते हैं, चाहे जॉब करते हों, चाहे सरकारी करते हैं या प्राइवेट करते हैं, या दुकान रखे हुए हैं, या शॉप है आपकी, या कोई भी आज आप कार्य करते हैं, उसमें शैतान कहीं ना कहीं आपको रोकने की कोशिश करेगा। क्योंकि आप प्रभु यीशु मसीह को मानते हैं और प्रभु यीशु मसीह और शैतान का कोई मेल नहीं है। क्योंकि शैतान चाहता है कि मैं सारे संसार में क्या करूं, राज्य करूं और जिसको चाहूं वैसे उसके जीवन में मैं करूं। लेकिन परमेश्वर आज्ञा शैतान को नहीं देता है कि तू मेरे बेटे और बेटों के जीवन को नहीं छू सकता है, उनके काम धंधे, उनके बिजनेस में कभी रुकावटें और कभी समस्याएं नहीं ला सकता है। इसीलिए आज आपको आज्ञा देना होगा, आज आपको प्रार्थना करना होगा, आज आपको अंतिम तक इस प्रार्थना को सुनना होगा, ताकि आज आपके जीवन में आपको प्रभु ब्लेसिंग करे, आपको आशीष दे। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो क्या होगा, वह तुम्हारे सामने से क्या होगा, भाग जाएगा। तो ये बात हमें याद रखना है, जिस तरीके याकूब के पत्री में लिखा गया है और कहा गया है, अध्याय 4 और वचन नंबर 7 में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि जब आप शैतान का सामना करेंगे तो शैतान आपके कामों से, आपके बिजनेस से, आपके जॉब से, आपके हर एक चीज़ में परमेश्वर क्या करेगा, आज्ञा देगा और शैतान निकलेगा यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। हमें एक बात याद रखना है कि इबलीस क्या है, एक अहंकारी शैतान है। क्या है? अहंकारी शैतान है। क्योंकि अहंकार का नाम ही क्या है? इबलीस। क्योंकि ये बात आप अच्छी तरीके जानते हैं, गुस्सा किसे आता है, क्रोध किसे आता है, क्या कभी भले अच्छे व्यक्ति को आता है? नहीं। किसे आता है? जिसके अंदर शैतानियत होगी, जिसके अंदर अनेक प्रकार के गंदे विचार होंगे, तो वो शैतान है। इसीलिए इबलीस आज आपके जीवन में किसी प्रकार का काम क्या है, नहीं रोक सकता है। उसके इतने पास सामर्थ नहीं है, इतनी ताकत नहीं है। लेकिन जब आपका शैतान काम नहीं रोक पाएगा, क्योंकि जब आप विश्वास रखेंगे, क्योंकि विश्वास में आप जब मजबूत होंगे और इस प्रार्थना को आपने किया होगा, तभी अन्यथा शैतान आपको कहीं न कहीं आपको तोड़ने का, आपकी विचारधारा को, आपके मन में वो निराशा, अनेक प्रकार की चिंताएं वो लाने का काम करेगा। इसलिए करेगा क्योंकि शैतान जानता है, यदि मैं मनुष्यों को क्या करूंगा, थोड़ा सा दुख दूंगा ना, तो क्या करेंगे, वो परमेश्वर को छोड़ देंगे। क्योंकि शैतान हमें तभी दुख दे सकता है जब हम क्या करते हैं, कोई गलतियां करते हैं, जाने अनजाने में हमसे बहुत सारी ऐसी गलतियां हो जाती हैं, ऐसे बहुत सारे पाप हो जाते हैं कि जो शैतान को मौका मिल जाता है। तो आज आपको ऐसा नहीं करना है, आज आपको विश्वास रखना है और भरोसा रखना है कि परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर के अधीन हो जाओ। यदि आज हम परमेश्वर के अधीन हैं तो शैतान हमारा कुछ नहीं कर सकता है। जैसे आयुब के जीवन को आपने देखा होगा, वो किसके अधीन था? वो परमेश्वर के अधीन था, लेकिन शैतान ने उसको नहीं छुआ, क्योंकि वो जानता था कि परमेश्वर इसे ब्लेसिंग करता, इसे आशीष देता, इसकी प्रार्थना को सुनता है। शैतान उसके पास नहीं फटका, आयुब के पास,
लेकिन जब परमेश्वर और शैतान के बीच में वार्तालाप होती, मतलब बातचीत होती है, तो वहाँ पर शैतान कहता है, परमेश्वर को कहता है कि ये देख, ये तेरा जो बेटा है, इसको जो तूने ब्लेसिंग की, आशीष की है, जो तेरा ये भक्त है, जो तुझसे प्रार्थना करता है, विनती करता है, तो आज इसे मैं देखना चाहता हूँ कि तुझे भला और बुरा कहेगा, मतलब बुरा कहेगा कि मेरा परमेश्वर बुरा है आयुब के जीवन को लेकर के। लेकिन परमेश्वर ने कहा, नहीं, मुझे पूरा विश्वास है कि जो मेरे बेटे और बेटियां हैं, जो मेरे बच्चे हैं, वो मुझे कभी भी बुरा नहीं मान सकते, क्योंकि मैं उनके साथ बुरा कभी नहीं करता हूं। इसीलिए शैतान ने कहा कि मुझे एक मौका दीजिए, एक बार मौका दीजिए, मैं इसके जीवन में ये दुख डालूंगा, चिंताएं डालूंगा, मुसीबत डालूंगा, परेशानी डालूंगा, तो वो तुझे बुरा कहेंगे। हालेलुया। तो ये परमेश्वर को जिस तरीके से हमें वचन देखने को मिलता है आयुब के पुस्तक में, तो मेरे पियो हमें ये बात याद रखना है। तो शैतान को आज्ञा मिल जाती है परमेश्वर के द्वारा, और शैतान आयुब के जीवन में जाता है और उसे तोड़ने का काम करता है। उसके जीवन में जो भी कुछ था सब कुछ खत्म कर देता है, एकदम नष्ट कर देता है। उसके जीवन में अनेक प्रकार की बीमारियां आ जाती हैं, लोग उससे बात नहीं करना चाहते थे, बड़ी बड़ी उससे दूर लोग भागते थे, यहाँ तक कि उसकी पत्नी ने भी आयुब की छोड़ दिया था। तो ये बात हमें याद रखना है कि शैतान को यदि हम मौका देते हैं, क्या यहाँ पर परमेश्वर ने शैतान को मौका दिया तब जाके आयुब के जीवन में अटैक किया, वैसे ही आज हमारे जीवन में यदि हम शैतान को मौका देते हैं तो शैतान हमारे कामों में, हमारे विचारों में वह अटैक करेगा, लेकिन शैतान क्या हो जाता है, यहाँ पे हार जाता है। जैसे प्रभु यीशु मसीह के समय में जब वो प्रार्थना कर रहे थे तो शैतान हार गया, तो आज आपके जीवन से, आपके घर से वो शैतान हारेगा। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। इसीलिए मेरे प्रियो, प्रभु के वचन पे आज हमें विश्वास रखना है और भरोसा रखना कि परमेश्वर मेरी मदद करेगा और मेरी सहायता करेगा। लिखा गया है, परमेश्वर का वचन कहता है, तू मन में कहता है तो था कि मैं स्वर्ग चढ़ूंगा, यहाँ पे शैतान कहता है, क्योंकि शैतान को स्वर्ग से ही परमेश्वर ने फेंका है। तो ये बात शैतान कह रहा था, तू मन में तो कहता है कि मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा, मैं अपने सिंहासन को ईश्वर के तारणगढ़, जिस तरीके से दाऊद के शाही घराने के राजघराओं से अधिक ऊंचा करूंगा, मैं परम प्रधान परमेश्वर के तुल्य हो जाऊंगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, यहाँ पे शैतान का कहने का मतलब है कि मैं परमेश्वर से क्या हो जाऊंगा, तुल्य हो जाऊंगा, उसके बराबर पे आ जाऊंगा। तो ये शैतान की मंशा है। तो शैतान आपको क्यों नहीं तोड़ेगा, आपको क्यों नहीं परेशान करेगा? इसलिए याद रखना, आपके जो भी काम करते हैं वो शैतान नहीं रोक सकता है, जब आप ये विश्वास रखेंगे कि परमेश्वर मेरे जीवन में मेरी मदद करता है, मेरी सहायता करता है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, जिस तरीके से हम देखते हैं, आपने देखा होगा फिरौन के जीवन को लेकर के, फिरौन ने मिस्र देशों को लेकर के, मिस्रियों को लेकर के बहुत सारी ऐसी घटनाएँ घटी, क्योंकि उन लोगों ने क्या किया, मिस्र के लोगों ने क्या किया, यहाँ पर शैतान को मौका दिया और शैतान ने उन लोगों को क्या किया, गुलाम बना दिया फिरौन के समय में। तो ये चीज़ें हमें यहाँ पे देखने को मिलती हैं। इसीलिए हमें डरना नहीं है, हमें कभी भी घबराना नहीं है, क्योंकि परमेश्वर हमारी जीवन में जो उसने वादा किया है वो क्या करेगा, पूरा करेगा। परमेश्वर ने कहा है कि मैं तुझे हर प्रकार के दुख, हर प्रकार की चिंताएं, हर प्रकार की मुसीबत, हर प्रकार की समस्याओं से मैं क्या करूंगा, बचाऊंगा। और परमेश्वर ने वादा किया है, इस तरीके से प्रेरितों काम अध्याय 7 और वचन नंबर 17 में यहाँ पे परमेश्वर ने हमसे वादा किया है कि मैं तेरे जीवन में तेरी रक्षा करूंगा, तेरी देखभाल करूंगा, तेरे बच्चे, तेरे घर, तेरे परिवार, तेरे हर प्रकार की चीजों में मैं तेरी सहायता और तेरी मदद करूंगा। हालेलुया। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आइए सभी लोग मिलकर के प्रार्थना करते हैं और प्रभु की महिमा करते हैं। यदि आज आप चाहते हैं कि आपके कामों में आशीष आए, किसी प्रकार की रुकावटें ना आए, तो आप एक गिलास पानी लीजिए और आप आज्ञा दीजिए, या आप इस समय अपने हाथों में पानी लेकर के बैठिए और प्रार्थना को सुनिए और आज्ञा दीजिए। जो भी आप ध्यान दीजिए, जो भी आप बिजनेस करते हैं, जो भी काम करते हैं, जो भी जॉब करते हैं, जो किसी काम में रुकावटें आ रही हैं, उन सभी चीज़ों को लेकर के आप आज्ञा देंगे और बोलेंगे कि मेरे जीवन से मेरा ये काम है, ये मेरा नाम है, शैतान मेरे जीवन में मुझे बहुत परेशान करता है और मैं आज्ञा देते हूँ पवित्र लहू के नाम से, परमेश्वर के पवित्र यीशु मसीह के लहू के नाम से मैं आज्ञा देती हूँ या देता हूँ। तो आज आपके जीवन से वो हर प्रकार के बंधन, वो हर प्रकार की शैतानी ताकत, वो आज आपके जीवन से टूट जाएगी।
हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रिय अपना हाथ तमाम मसीह भाई बहनों के ऊपर रखें जो आज आपके बच्चे आपके बेटे और बेटियां इस समय आज्ञा देते हैं और प्रार्थना करते हैं विनती करते हैं दुआ करते हैं आपकी महिमा करते हैं कि परमेश्वर आज हर एक मसीह भाई बहनों के जीवन के देख रेख करने वाले आप हैं पिता परमेश्वर। हम आपकी महिमा करते हैं आपकी प्रशंसा करते हैं कि जो आज आपके बच्चे आपके बेटे और बेटियाँ इस समय अपने हाथों में पानी लेकर के बैठे हैं प्रभु आज इन्हें ब्लेसिंग कर इन्हें आशीष दें और इनके जीवन के हर प्रकार की घटी और कमी को पूरा कर। हम आपसे विनती और प्रार्थना दुआ करते हैं और आज्ञा देते हैं कि वो हर प्रकार की शैतानी ताकत वो हर प्रकार के बंधन जो आज इनके कामों हर प्रकार के बिजनेस को वो रोकने का काम करते हैं हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं गंदी आत्माओं के लिए मैं आज्ञा देती हूँ इस मसीह के नाम से इसी वक्त इसी घड़ी इनके परिवार से इनके जीवन से इनके बेटे और बेटियों के जीवन से इस मसीह के नाम से निकल जाए इस मसीह के नाम से इसी वक्त इसी घड़ी परमेश्वर की महिमा करते हैं आपकी प्रशंसा करते हैं कि परमेश्वर आज हर एक मसीह भाई बहनों के जीवन को ब्लेसिंग छो पिता परमेश्वर प्रभु इन्हें आजाद कर हर प्रकार की बेड़ियों से हर प्रकार के जो जकड़े हुए आज इनके अनेक प्रकार के बिजनेस यीशु मसीह के नाम से जो इनके बिजनेस में इनके कामों में आज जो बेड़ियां बंधी यीशु मसीह के नाम से वो हर प्रकार के साकलों को तोड़ यीशु मसीह के नाम से क्योंकि हम जानते हैं परमेश्वर कि आपने किस तरीके से अनेक प्रकार की बेड़ियों से जकड़े हुए शैतान को आपने आजाद किया यीशु मसीह के नाम से उस बहन को उस भाई को आपने हर प्रकार की बुराइयों से हर प्रकार की चिंताओं से आपने बचाया यीशु मसीह के नाम से। इन द नेम ऑफ जीसस हम आपकी महिमा करते हैं हम आपकी प्रशंसा करते हैं आज इनके बच्चों के लिए इनके घर के लिए इनके बिजनेस के लिए इनके कामों के लिए इनके खेत खनिहान के लिए पिता परमेश्वर आज हम दुआ करते हैं आज जो भी ये काम करते हैं मजदूरी करते हैं उसके लिए प्रार्थना और विनती करते हैं आज जो भी ये काम करते हैं उसके लिए हम आज्ञा देते हैं परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से इसी वक्त इसी घड़ी इनके परिवार से इनके बच्चों के जीवन से निकल हे दुष्ट आत्माएं गंदी आत्माएं हर प्रकार के बंधन हर प्रकार की रुकावटें हर प्रकार की शैतानी ताकत आज इनके घर से इनके परिवार से यीशु मसीह के नाम से निकल हम आज्ञा देते हैं और आप भी आज्ञा दीजिए आज अपने बच्चों को लेकर के अपने घर को लेकर के अपने बिजनेस को लेकर के अपने कामों को लेकर के जो भी आज आपके अनेक प्रकार की समस्याओं में आपके जीवन में आ रही यीशु मसीह के नाम से और आज्ञा दीजिए जो आज आपके काम हैं जो आज आपके बिजनेस हैं जो आज आपके जॉब हैं उसके लिए आप आज्ञा दीजिए शैतान आज आपके कामों को नहीं रोक सकता यीशु मसीह के नाम से इन द नेम ऑफ जीसस इन द नेम ऑफ जीसस यीशु मसीह के नाम से प्रभु आज इन्हें ब्लेसिंग कर इन्हें आशीष दे इन्हें हर प्रकार की समस्याओं से हर प्रकार के दुख से हर प्रकार के चिंताओं से आप बचाने वाले सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रिय अपना हाथ तमाम मसीह भाई बहनों को पर रखें ब्लेसिंग कर छो पिता परमेश्वर हम आज्ञा देते यीशु मसीह के नाम से आज जो अपने हाथों में इन लोगों ने पानी लिया यीशु मसीह के नाम से आज ये पीते यीशु मसीह के नाम से इनके जीवन में इन ब्लेसिंग मिले इन्हें आशीष मिले इनके हर प्रकार के जो बंद काम पड़े यीशु मसीह के नाम से वो खुलने पाए यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते यीशु मसीह के नाम से इसी वक्त निकल निकल हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रिय अपना हाथ तमाम मसीह भाई बहनों के ऊपर रखे आज जो बच्चे रोते हैं आज जो बेटे और बेटियां आपके रोते हैं जिनके आंख से आंसू बहते हैं पिता परमेश्वर जिन लोगों ने अपना आंख से अनेक प्रकार की समस्याओं को देखा आज वो दुख को देखा उन्हें चिंताओं ने देखा मुसीबत को देखा अनेक प्रकार की कठिन समय को देखा परमेश्वर आज उन्हीं आंखों से जो आंसू निकलते यीशु मसीह के नाम से उनके आंसू को पोंछने वाले आप ही पिता परमेश्वर सत्कलम 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 हर प्रकार के दुष्ट आत्माएं गंदी निकल दुष्ट आत्माएं हे गंदी आत्माएं इसी वक्त गूंगी बहरी अनेक प्रकार की समस्याएं अनेक प्रकार की जो आज समस्याएं इनके जीवन में इनके घर में इनके परिवार में यीशु मसीह के नाम से आज छो पिता परमेश्वर ब्लेसिंग कर छो पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से इन द नेम ऑफ जीसस यीशु मसीह के नाम से इसी वक्त इसी घड़ी आज वो हर प्रकार के शैतान के बंधन आज वो टूटने पाए यीशु मसीह के नाम से हर प्रकार का ब्लैक मैजिक आज जो इनके आस पड़ोस के लोग इनसे जलन रखते हैं परमेश्वर उसके लिए हम आज्ञा देते हैं यीशु मसीह के नाम से आज वो हर प्रकार की शैतानी ताकत जो उनके मन में है और जो इनसे जलन करते हैं उसके लिए हम प्रार्थना करते हैं विनती करते हैं जो इनके बच्चों से जलते हैं इनके काम से जलते हैं इनके जॉब से इनके बिजनेस से इनके कामों से इनके धन से इनके संपत्ति से इनके बच्चों से इनके परिवार से पिता परमेश्वर और जो सुखी से रहते हैं इनसे जलते ही परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से उस भाई के लिए उस बहन के लिए प्रार्थना करते हैं जो जलन रखते हैं एक दूसरे से यीशु मसीह के नाम से आज उन्हें ब्लेसिंग कर छो पिता परमेश्वर छो पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से छो पिता परमेश्वर आज्ञा दीजिए आज्ञा दीजिए आज्ञा दीजिए यीशु मसीह के नाम से आज वो हर प्रकार की शैतानी ताकत वो हर प्रकार के बंधन आज आपके जीवन से वो टूटने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से छो पिता परमेश्वर निकल इसी वक्त इसी घड़ी यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं शैतान दुष्ट आत्माएं गंदी आत्माएं जो आज कामों में बाधा बन करके आज वो सामने खड़ा है निकल निकल यीशु मसीह के नाम से पवित्र लहू के नाम से हम आज्ञा देते हैं पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु आज इन्हें ब्लेसिंग कर इन्हें छू पिता परमेश्वर वो हर प्रकार के बंधन हर प्रकार के जादू और टोने यीशु मसीह के नाम से आज इनके जीवन से दूर होने पाए यीशु मसीह के नाम से आपने दूर कर दिया यीशु मसीह के नाम से इसके लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर आमीन।
मेरे प्रिय भाई बहनों, आज आपको विश्वास रखना है, शैतान आज के बाद आपके किसी कामों में बाधा नहीं डालेगी। यीशु मसीह के नाम से आपने आज्ञा दी और इस पानी को पीजिए। जो आप काम पे जाते हैं, जो बिजनेस में जाते हैं, जो काम करते हैं, जो धंधे करते हैं, उनको यह पानी पिलाइए, उनके जीवन में ब्लेसिंग और आशीष आएगी। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आप अपनी गवाही को जरूर भेजें दिए गए स्क्रीन नंबर पर, ताकि परमेश्वर की महिमा हो और लोगों तक इस वीडियो को शेयर करें, प्रार्थना को शेयर करें, ताकि उनके जीवन में ब्लेसिंग मिले, उन्हें आशीष मिले। यदि आप एक वीडियो को शेयर करते हैं, यदि उनके लाइफ में कुछ परिवर्तन आ जाता है, तो अब परमेश्वर आपको बहुत सारी ऊंचाइयों तक लेकर के जाएगा। आपको हर प्रकार की मुसीबत, हर प्रकार की बीमारियों से वो परमेश्वर बचाएगा इस मसीह के नाम से। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहने जो कलीसिया के माध्यम से बीज को बोना चाहते हैं और अपने घर में फलवंत पाना चाहते हैं, आशीष पाना चाहते हैं, बरकत पाना चाहते हैं, तो आप दिए गए स्क्रीन नंबर पर या QR कोड के माध्यम से आप जो भी अपने मन में जो भी आपने दान सोचा है वो दिए गए स्क्रीन नंबर पर भेज सकते हैं। परमेश्वर आपको, आपके परिवार को बहुत सारी ब्लेसिंग, आपको आशीष दे। आपके हर प्रकार के शैतान जो काम रोकने की कोशिश करता है, वो आज आपके जीवन से वो कभी भी आपके ऊपर अटैक नहीं करेगा। यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन।